और इसके माध्यम से गैर सरकारी संस्थानों में अलग अलग कैंप लगा करके 50,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार दिया है। सरकारी नियुक्ति की बात करें तो माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति भी हम लोगों ने की, सहायक अभियंताओं का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया है, लिपिक सेवा संवर्ग की भी निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति की, दंत चिकित्सक की नियुक्ति की, पंचायत सचिव का भी नियुक्ति किया, कोषागार लिपिक का भी नियुक्ति किया हम लोगों ने, लोक सहायक लोक अभियोजक का भी नियुक्ति किया, डॉक्टरों की भी नियुक्ति हम लोगों ने की है और ए ग्रेड नर्सों की भी हम लोगों ने नियुक्ति की, आयुष चिकित्सकों की भी नियुक्ति की है। आज के दिन में भी, आज इस समारोह में भी लगभग 7-8 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, सरकारी नियुक्ति पत्र मिल रहा है आज इसी मंच से, और ये कहते हैं कि नियुक्ति नहीं मिल रही। और अभी आपको हम बता दें लगभग 45,000 वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी निकल पड़ी है, निकल चुकी है, जिसके कुछ तो रिजल्ट भी आ चुके हैं। जो प्रयोगशाला सहायक परीक्षा हुई है उसका भी रिजल्ट निकल चुका है, और अभी शिक्षकों का भी जो परीक्षा हुआ है उसका भी लगभग 3,120 शिक्षक का उसका भी रिजल्ट निकल चुका है। तो कई पैमाने पर, हाँ ये बात जरूर है, हमें इस बार भी वक्त कम मिला, 1.5 साल तो कोरोना ने हमारा खाया और बचा कुचा साल आपके बीच में। पहली बार 20 वर्षों में जेपीएससी का रिजल्ट हमने बनाया, पहली बार बिना किसी विवाद का रिकॉर्ड तोड़ 250 दिन के अंदर जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित करके झारखंड के 95% युवा युवतियों को वीडियो सीओ कलेक्टर बना करके हम लोगों ने राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया। और तो और सुनकर बहुत खुशी होगी आपको कि उस जेपीएससी के माध्यम से इस राज्य में जो बच्चों ने वीडियो सीओ कलेक्टर बनने का काम किया है, उन बच्चों में से कई ऐसे बच्चे जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बेटी, किसान मजदूर का बेटा, ऐसा लोगों का रहा है। लगभग 33 बच्चे मुझे लगता है बीपीएल परिवार के नीचे से भी आते हैं, रहे होंगे, ऐसे बच्चों ने जेपीएससी परीक्षाएं पास की। और पूर्व की सरकार की हर परीक्षाओं में कोई ना कोई धांधली, और यहां जब हम स्थानीय नीति की बात करते हैं, जब 1932 आधार पर नियोजन नीति बनाना चाहते हैं तो इनको साफ सुनने लगता है, दूसरे राज्य के लोगों के साथ मिलकर कोर्ट कचहरी करके हमारे कामों में बाधा डालते हैं, राज्यपाल महोदय के यहां जाकर के कानाफूसी करके उनके कान भरने का काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जब अपने राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इस तरीके के कानून है जहां वहां के गवर्नरों को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे इस राज्य में भी की दिक्कत है? स्थानीय लोगों को रोजगार में देने में यहां पर क्या तकलीफ है हमारे विपक्षों को? लेकिन इनके बावजूद हम लोग कदम रुके नहीं। आज हर गांव से लेकर शहर तक, और आज आधारभूत संरचनाओं तक, सभी क्षेत्रों में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। अभी और लंबा दूरी तय करना है। इस नवजात झारखंड को आने वाला 1-2 साल में 25 साल का होगा, युवा राज होगा, लेकिन इन लोगों ने इसको बीमारू राज बना दिया है। हम निरंतर प्रयासरत हैं कि ये नवजात झारखंड, हमारा गांव का झारखंड मजबूत हो, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अगर गांव मजबूत होगा तभी ये झारखंड मजबूत हो सकता है। और हम 25वां साल जब ये झारखंड देखे तो इसको हम लोग इतना मिलजुल कर ताकत दे कि आने वाला समय ये अपनी जिम्मेवारी और जितनी भी चुनौती है उस चुनौती को आसानी से ये झेल सके।
और ये राज पीठ दिखाने वाला राज नहीं। इस राज ने हमेशा संघर्ष किया है, इस राज के लोगों ने संघर्ष किया है, आप लोगों ने संघर्ष किया है और आप लोगों के ही माध्यम से इस राज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज इसका प्रयास आप देखते होंगे कि गांव गांव पंचायत पंचायत सरकार जा रही है। जैसे आप होली दिवाली ईद क्रिसमस का इंतजार करते हैं, अब ये सरकार हर साल आपके गांव में जाएगी, हर बार आपके पंचायत में शिविर लगाएगी, आपकी समस्या सुनेगी और समाधान करेगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, समय का भी अभाव है, आप लोग को और वापस भी बहुत दूर दराज का घरों में जाना है, हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। और अभी हम लोगों ने 4 साल पूरा किया है, निश्चित रूप से अगले 5वें साल जब हम आपके साथ मुलाकात करेंगे तो और मजबूती के साथ और ढेर सारी योजनाओं के साथ और आपके चेहरे पर और मुस्कान देने के साथ काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, और सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके संबोधन हेतु, आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ आए हुए पूरे झारखंड से तमाम हमारे झारखंडी भाइयों को हमारी ओर से 4 साल के इस लंबे सफर को पूरा करने के लिए और इस उत्साह में उपस्थित आप सब लोगों को मेरी ओर से जोहार। आज सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। आज इस कड़ी में हमारे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के निर्माता आदरणीय दिसम गुरु श्री शिबु सोरेन जी, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी गठबंधन दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक आंदोलनकारी मंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी भाई बन्ना गुप्ता जी, यहां उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बादल पत्रलेख जी, उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, उपस्थित यहां सभी सांसदगण विधायकगण, राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते जी, राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और यहां आए हुए लाखों की संख्या में राज्यभर के हमारे गांव देहात से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ मंच से कहा है। और 4 साल का सफर हम लोगों का बड़े चुनौतियों भरा रहा है। आपको मालूम है कि सरकार ने ऐसी चुनौती देखी है जो दुनिया में पहली बार ऐसा चुनौती आया हो। कोरोना जैसा चुनौती, फिर सुखाड़ जैसी स्थिति, लगभग 1.5 साल 1.5-2 साल हम लोग उसी से लड़ते जूझते रहे। कोरोना काल का आपको दिन याद होगा, कितना डरावना, कितना भयावह। जब लॉकडाउन का आदेश हुआ, जब पूरा दुनिया मानो थम सा गया, गाड़ी मोटर हाट बाजार काम धाम नौकरी चाकरी सब बंद, और ऐसी आपदाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक अभिशाप के बराबर होता है। और वैसे भी झारखंड इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़ा राज्य मतलब देश का सबसे गरीब राज्य, जहां सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं, जहां सबसे अधिक किसान रहता है, मजदूर रहता है, जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है, जहां स्वास्थ्य का अभाव रहता है। ऐसे राज्य के लिए ऐसी आपदाएं अभिशाप के बराबर है। अगर मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरे घर को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे स्थिति में राज्य के गरीब मजदूर मजबूर लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए घर पे रहना भी मौत के बराबर है और बाहर भी जाना मौत के बराबर है। पूरा देश दुनिया कोरोना के चपेट में था, कई राज्य में तो इस तरीके की हालत बिगड़ गई कि वहां लोगों की इस तरीके से जाने जाने लगी कि मानो जानवर मर रहा हो। कई राज्यों में तो लोगों के लिए जलाने की लकड़ी खत्म हो गए, दफन करने के लिए मिट्टी कम पड़ गया, मृत परिजन के लोग अपने लोगों के शव को नदी के किनारे खुले मैदान में चील कौवे कुत्तों को खाने के लिए छोड़ के भाग जाते थे। ये स्थिति थी देश में, लेकिन ऐसे स्थिति में भी हमारी सरकार ने इस राज्य के एक भी व्यक्ति को और राज्य में कोई भी अफरा तफरी हमने नहीं होने दी। हमारे कोविड प्रबंधन को देश में एक अलग पहचान मिला। आज झारखंड जैसा गरीब राज्य से पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई किया और आज भारत की इस ऑक्सीजन से करोड़ों लोगों की जानें बचाई गई। और आज इस राज्य को बिना अफरा तफरी किए हम लोगों ने पार किया, और वो इसलिए हुआ कि सरकार के पूरी मिशनरी, सरकार का पूरा तंत्र जनता पर नजर रखे हुए थी। 24 घंटा हम लोग सोते नहीं थे, पदाधिकारी सोते नहीं थे, 1 बजे 2 बजे कहां क्या घट रहा है सब की जानकारी समय मिनट मिनट हम लोग लेते थे। लेकिन इस राज्य को तो हम लोगों ने बहुत
शांति पूर्वक, और यहाँ के गरीब मजदूर को तो बचा लिया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस कोरोना ने आपको तो बचाया, लेकिन हमारे दो दो मंत्री इसमें शहीद हो गए। आज इस कोरोना की जंग में हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब जनता के बीच में लाखों मना करने के बावजूद गांव-गांव घूमते थे, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई कोरोना की समस्याओं से ग्रसित तो नहीं हो रहा है, इसका जायजा लेने के लिए निकलते थे। अंत में कोरोना ने ही उसको निगल लिया। वही हाल हमारा, जिसको हम लोग टाइगर जगन्नाथ महतो कहते थे, उनकी भी जाने चली गई। एक बार तो उनको मौत के मुंह से हमने निकाल भी लिया था, लेकिन जनता की प्यार ने उसके कदम को रोक नहीं पाई। फिर से वो जनता के बीच में जा करके कोरोना के चपेट में आए, उनकी भी जान चली गई। आज उनके सम्मान में, टाइगर जगन्नाथ महतो जी के सम्मान में, आज उनकी धर्म पत्नी बेबी देवी जी को हमने मंत्री बनाया है, जो आज मंच पे हमारे साथ। झारखंड एक वीरों का राज्य भी है। ये राज कोई भीख में नहीं मिला, ये राज लड़के मिला है। अनेक लोगों की शहादत इस मिट्टी में हुई है। पूरे राज के कोने कोने में हजारों की वीरों की आप कहानी सुनेंगे, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, फूलो जानो हो, वीर बुद्धू भगत हो, नीलांबर पीताम्बर हो, पोटो हो, भागीरथ मांझी हो, ठाकुर विश्वनाथ सादे हो, शेख भिखारी हो, पंडित गणपत राय जी हो, अनेक ऐसे। और इस राज के मूलवासी आदिवासी की हक अधिकार, यहां के जल जंगल जमीन कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए सदियों से ये लोग लड़ते रहे। अंतोगत आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में ये राज हमें मिला। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नवजात झारखंड जब 2000 ईस्वी में जन्म लिया, तो उसको दूध पिलाने के लिए, उस नवजात झारखंड को बड़ा करने के लिए, पालने पोसने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, जिन लोगों को जिम्मा मिला, उन लोगों ने 20 वर्षों में इस राज्य की स्थिति ऐसी कर दी कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरने लगा, किसान आत्महत्याएं करने लगी। हम लोग विपक्ष में थे, सहानुभूति के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अलग राज की तो लड़ाई हम लोगों ने जीता, लेकिन राज को संवारने का जो जिम्मा जिनको मिला, उन लोगों ने डबल इंजन भी बनाया, सिंगल इंजन भी बनाया, और डबल इंजन दोनों हाथों से मिलकर राज का सत्यानाश कर दिया। आज 2019 के आखिरी माह इसी दिन हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ आपके बीच में इस राज की तकदीर बदलने के लिए समर्थन मांगा। आज आपके आशीर्वाद से आज हम इस सरकार में हैं। राज में सरकार आप बनाते हैं, राज के मुख्यमंत्री आप बनाते हैं, मैं तो एक साधन मात्र हूं जो आपका अधिकार आपके दरवाजे में आपको खटखटा कर देने का काम कर। हमने चुनाव के समय पहले ही कहा था, जब हमारी सरकार बनेगी तो यह सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि ये सरकार गांव से चलेगी। और नतीजा
आज पंचायत पंचायत में पदाधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी विभिन्न चरणों के माध्यम से 2021 में लगभग 45 दिन का गांव में एक शिविर लगाए, फिर 2022 में लगभग 30 दिन से अधिक का शिविर लगा और इस बार 2023 में भी लगभग 35 दिन का शिविर हम लोगों ने गांव गांव पंचायत पंचायत में लगाया। लाखों करोड़ों समस्या गांव में, इतनी समस्या देखने के बाद पता चला कि आखिर 20 वर्षों में सरकारों ने क्या काम किया। वही बूढ़े बुजुर्गों की बेबसी, असहाय लोगों का भटकना, धीरे धीरे इस राज्य से लोगों का पलायन करना, लाखों की संख्या में राज्य से लोग बाहर पलायन करते हैं मजदूरी करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, लेकिन कोरोना जैसी आपदा जब आती है तो उन बेचारों के ऊपर भी मौत मंडराने लगता है। कोरोना में आप लोगों ने देखा ही कि कितने हजार लाखों में झारखंडी मजदूर अलग अलग राज्यों में सात समुंदर पार फंसे हुए थे। जब लॉकडाउन हुआ सभी मजदूर को बेघर कर दिया गया उन राज्यों में, आने जाने का कोई साधन नहीं, सारा रेलगाड़ी हवाजहाज बस ट्रक सब बंद, कोई भी आदमी अपने घर नहीं आ पा रहा था, कोई पैदल ही अपने घर के लिए चल पड़ा मुंबई से दिल्ली से, कोई साइकिल से चल दिया, कोई मोटरसाइकिल से चल दिया, कोई रिक्शा से चल दिया, ये स्थिति बनी। और इतना लंबा सफर में अनेक मजदूर सड़क में ही दम तोड़ दिया, अनेक महिलाओं ने बच्चों को सड़क में जन्म बच्चों को जन्म दिया, चारों तरफ डर भय और हाहाकार की स्थिति। अंत में आपको याद होगा देश का पहला ये झारखंड राज्य है जहां आपकी सरकार ने एक मजबूत निर्णय लेते हुए अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घर में भेजने का काम किया था। हमारे विपक्ष के लोग बोलते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं लेकिन सड़कों पर मरने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन हम लोगों ने अपने उन विपरीत परिस्थिति में भी अपने मजदूरों का साथ नहीं छोड़ा, डीबीटी के माध्यम से उनको बड़े पैमाने पर राशि उपलब्ध कराया, उससे भी काम ना बने तो उनको ढो करके लाने का हम लोगों ने काम किया। इतनी आपदा में भी राज्य में एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया, लेकिन इन लोगों ने सामान्य जीवन में लोगों को भूख से मरने पर मजबूर कर दिया। वो इसलिए हुआ कि वो आपके अधिकार लूटकर अपने जेबों में भरने में लगे हुए थे। आपको मालूम होना चाहिए डबल इंजन की सरकार ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था, आपकी सरकार बनी 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने आप लोगों के बीच में बांटा। और आज उस राशन के माध्यम से हम लोग जो अनाज दे रहे हैं अब उसमें दाल भी मुफ्त देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज इन लोगों ने जब मैं देखा, मैंने जब हमारी सरकार आई तो जब हम लोग को तो पता ही था कि राज्य की स्थिति क्या है और क्या हो रहा है, दिन ब दिन बद से बदतर। आज तक इन लोगों ने पूरे राज्य में 20 वर्षों में मात्र 16 लाख गरीबों को पेंशन दिया, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इस 4 साल के अंदर मात्र हम लोग 36 लाख 20 हजार लोगों को राशन का है।
स्थिति यह है कि राज्य में टॉर्च लगा करके भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सभी को पेंशन, सभी विधवा महिला को पेंशन, सभी परित्याग महिलाओं को पेंशन और सभी विकलांगों को पेंशन। वही अगल बगल राज्यों में जाके देखिए, बिहार में जाके देखिए, उड़ीसा में जाके देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जाके देख लीजिए, वहां पर पेंशन मिलता है 250 रुपया, 300 रुपया, 350 रुपया। लेकिन आज इस राज्य में गरीबों को हम लोग 1000 रुपया पेंशन देते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। कई ऐसे गरीब हैं जो आज के दिन में भी कई मुसीबतों से जूझ रहे हैं। ये बात सच है आज के दिन में कि आज झारखंड में कई ऐसा घर है जहां अगर पिताजी 98 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, बेटा अगर 60 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, अगर उस बेटा का बेटी भी है तो बेटी को भी सावित्री फूले बाई योजना दे रहे हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जो सरकार का कोई ना कोई योजना ना ले रहा हो। लेकिन आज की इस हालात, झारखंड की गरीबी और झारखंड के आदिवासी दलित वर्ग के लोग, जहां कई चुनौतियों से इनको जूझना पड़ता है, आज हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे, क्योंकि 60 साल की उम्र में उसको कोई काम भी नहीं मिलता है। मृत्यु दर इन समाज में बड़े पैमाने पर है। अभी आप लोगों ने इस राज्य में बड़े आदिम जनजाति है, आदिम जनजातियों के बारे में कई सारी खबरें छपती है, बेचारे गिनती भर के हैं, कैसे उनको हम लोग मुख्य धारा से जोड़ पाए, इसके लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं, उनको घर पहुंचा करके राशन दिया जा रहा है, रोजगार में सीधी नियुक्ति का प्रावधान हम लोगों ने उनके लिए कर रखा है, और आज उनकी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए अलग अलग जिलों में, राज्य के राजधानी में, वो कैसे राज्य के जेपीएससी जेएसएससी वगैरह एग्जाम में पास हो पाए, बीडीओसीओ कैसे बन पाए, इसके लिए फ्री कोचिंग करने का भी काम चल रहा है। तो कई ऐसी चीजें, आज किसानों की ये बात करते हैं, किसानों का हितेशी बताते हैं, लेकिन आपको याद है कि ये लोग किसान विरोधी कानून बनाते हैं। कुछ साल पहले ही इस देश के अंदर किसानों को समाप्त करने के लिए किसान विरोधी कानून तैयार हो रहा था। ये तो गनीमत है कि ये कृषि प्रधान देश सिर्फ नाम से नहीं बल्कि किसानों का ताकत भी है। एक साल तक अपना घर द्वार छोड़कर सारा किसान उस काला कानून के विरुद्ध में दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को दिल्ली से बाहर निकलने नहीं दिया, और इस आंदोलन में हजारों किसान की मौत इस आंदोलन में हुआ। लेकिन जब तक ये काला कानून वापस नहीं हुआ, किसानों ने भी अपना घर जाने का निर्णय खत्म कर दिया था। अंततः सरकार को किसान के सामने झुकना पड़ा। हक अधिकार गरीब को मिलता नहीं है, इसके लिए लड़ना पड़ता है। आज हमारा भी बात वही हाल है।
आज हम लोग का भी लंबा चौड़ा बहुत बड़ा धन कोयला कंपनियों का केंद्र सरकार में बकाया है, 1,36,000 करोड़ रुपया। दूसरे राज्यों को पैसा मिलता है, हमको नहीं मिलता, ये अजीब भेदभाव। पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब इनको दिखाया जाता है तब धीरे से मुड़ी हिलाने का काम करते हैं। और हमारे तो यहां डबल इंजन की सरकार थी, 20 वर्षों में मात्र 8 लाख इन लोगों ने किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा था, 20 वर्षों में मात्र 8 लाख। और हम लोगों ने इन मात्र 4 सालों में 20 लाख किसानों को केसीसी कार्ड से जोड़ने का काम, और निरंतर जारी है। तो इनका 20 साल का लेखा जोखा इस तरीके से रहा, और कई किसानों के लिए, क्योंकि हमारा ये राज्य के अधिकतर 80% लोग खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, गांव देहात में रहता है, आज हम लोग उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना लेके आए हैं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, ताकि किसान अपने खेती बाड़ी के साथ जुड़ा रहे। हमारी पूर्व की सरकार पहले पशुधन के नाम पर बीमारू जानवर ग्रामीण किसानों को बांटते थे, जो जानवर 3 महीने 2 महीने 1 महीना में मर जाता था, और किसान इतना दिन मेहनत करने के बाद जब वो जानवर मर जाए तो दोबारा जानवर पालने का सपना भी नहीं देखता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने उसमें बदलाव किया है, इस बार किसानों को जो भी पशु मिलेगा, गाय बकरी बैल जो भी चाहिए, इस बार तो भैंस भी सरकार बांटेगी, और वो सारा जानवर आपको बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा वो बीमा कंपनी आपको वापस करेगी। और आपको मालूम होना चाहिए, पशुधन पर इसलिए हम लोग जोर देते हैं कि आज भी इस राज्य में मांस मछली की खपत बहुत अधिक है। यहां पर आंध्रा से मछली आता है और आंध्रा के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं, यहां पर अंडा दूसरे राज्यों से आता है, दूसरे राज्य के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं, मुर्गी भी दूसरा राज्य से आता है, बकरी भी दूसरा राज्य से आता है, ये विडंबना है। अगर हमारे ही किसान यहां पर जानवर पालना शुरू करे तो वो पैसा हमारे किसानों को जाएगा, ना कि दूसरे राज्य को जाएगा। इसलिए हर संभव प्रयास है कि हमारे राज्य में पशुपालक आगे बढ़े, और कृषि विभाग 90% के अनुदान में हम जानवर उपलब्ध करा रहे। तो इसलिए आपको अतिरिक्त आय का भी वृद्धि होगा और राज्य की भी जो कमी है उसकी पूरी की जा सकती है। तो कई ऐसी चीजें हम लोग आज गरीबों को राशन दे रहे हैं, हरा राशन कार्ड से भी राशन उपलब्ध करा रहे हैं। भारत सरकार से हम लोगों ने FCI से अनाज खरीदने का आदेश मांगा, क्योंकि सरकारी दुकान है सस्ता मिलेगा, लेकिन हमको FCI से खरीदने के लिए अनुमति नहीं मिली। आज इस गरीब को हम लोगों को खुले बाजार से महंगे दर पे अनाज खरीद करके आपका पेट भरना पड़ रहा है। आज ये भेदभाव चलता है, जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं, उनको भी बड़ी मुश्किल से केंद्र का सहयोग मिलता है। एक सौतेला व्यवहार। आज यहां पर कई सारे लोग भी आए हैं गांव देहात से जुड़े हुए, और राशन डीलर सब जो लोग यहां पर हैं,
इन डीलरों का कई मांग है, कई मांग तो हम पहले भी कुछ आप लोग का पूरा किया, और आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके डीलर कमीशन को भी बढ़ाने की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द डीलरों की भी कमीशन बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण पर हम लोग की जो महिला समूह की जो दीदियां हैं, इन लोगों ने जो हमारे पूर्व की सरकारों ने 20 वर्ष में मात्र 6000 करोड़ रुपया महिला दीदी के बीच में बांटा, लगभग उतने ही, उससे कम वैसे ही बांटा, उससे अधिक नहीं। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इन महिला दीदियों के बीच में 4 साल के अंदर 8000 करोड़ से अधिक रुपया का वितरण हमने किया है। कहा जाता था पैसा, ये राज्य जब अलग हुआ तो सरप्लस बजट के साथ अलग हुआ, मतलब खजाने में भरा हुआ पैसा था। ये भूखा नंगा राज नहीं अलग हुआ था, अपना धन संपत्ति के साथ अलग हुआ था। लेकिन ये राज जन्म होने के बाद इस राज को इन लोगों ने निचोड़ लिया, चूस लिया, आज बीमारू राज बना दिया। आज नतीजा ये हुआ कि किसान आत्महत्या कर रहा था, लोग भूख से मर रहे थे। आज क्या परिस्थिति हुई कि इतनी आपदा में भी लोग भूख से नहीं मरे? अभी कुछ दिन पहले कुछ पहाड़िया लोगों की जाने जा रही थी बीमारी से, कालाजार मलेरिया जैसे बीमारी से, और हमारे विपक्ष के साथियों ने बड़े लंबे चौड़े सूचना तंत्रों के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के माध्यम से सरकार को बदनाम करने में लगे। हम आपको बताएं, ये जो बीमारी है कालाजार, ये मलेरिया, ये सब गरीबों का बीमारी है, अमीरों को नहीं होता है। जिसका घर नहीं होता है, जिसका झोपड़ी नुमा घर, साफ सफाई नहीं, वहीं पर यह बीमारी पनपता है। और उन पहाड़ियों के पास भी आवास नहीं था, और आवास के लिए इस राज को के लगभग 8 लाख गरीबों को हम लोगों ने चिन्हित कर रखा था, और आवास के लिए जो एक हिस्सा केंद्र सरकार देती है उसका आवंटन के लिए हम और विभागीय मंत्री आलमगीर साहब नाक रगड़ते रहे, लेकिन हम लोगों को केंद्र सरकार ने आवंटन नहीं दिया, बल्कि हमारे हिस्से का आवंटन यूपी को दे दिया बगल के राज में, और हमारे गरीबों को छोड़ दिया। इसका मतलब अब यहां गरीबों को आवास नहीं मिलेगा। अब ये बोलेंगे जब डबल इंजन की बनेगी तभी आवास मिलेगा, तो हम बोले ऐसे नहीं काम चलेगा, ये ब्लैकमेलिंग का काम नहीं होगा। अब राज्य सरकार अपने जिम्मेदारी से केंद्र से बेहतर आवास बना करके अब वह आवास की योजना आपको देने की तैयारी कर रहा है। अब हर गरीब को, अभी जो आवेदन आ रहे हैं, हम लोगों ने 8 लाख लोगों को चिन्हित किया है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है अभी कल ही परसों तो ये जो हम लोगों ने शिविर चलाया था वो खत्म हुआ है, वो 8 लाख से अधिक संख्या पार करेगा। लेकिन हम राज्य के गरीब असहाय लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप चिंता मत कीजिए, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और जितने भी आए हैं, जितने भी जरूरतमंद हैं लोग, उनको हर हाल में हम आवाज देंगे, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे या 4 साल लगे। और पैसे की व्यवस्था आकलन के मुताबिक 15000 करोड़ रुपया का भी हम लोगों ने रखा है, लेकिन हो सकता है कि इससे अधिक क्या आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन संसाधनों को भी हम लोग जुटाने में लगे हैं, अलग अलग माध्यमों से हम लोग संसाधन बड़े पैमाने में लगे हैं कि कैसे हमारे संसाधनों में बढ़ोतरी हो। तो कई सारी चीजें हैं जो अभी करने की आवश्यकता है।
हमारे राज्य के गरीब मजदूर किसान, इनकी सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, उनके परिवार की, उनके बाल बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे। बड़ी चिंता और बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया बेचारा, 10वां 8वां क्लास भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात, थोड़ा बहुत माँ बाप जमीन जायदाद बेच के पढ़ लिया तो सरकारी कॉलेज में कुछ छोटा मोटा डिग्री ले लिया और यहाँ पारा टीचर और नर्स की कोर्स कराने में लगे। और खास तौर पर बेटियों, उनकी बेटियों के लिए और भी परेशानी की बात, गरीब माँ बाप लोग सबसे ज्यादा बेटियों को ही जल्दी निपटारा कर देता है, 8वां 9वां क्लास पास होता नहीं है बच्चों का, और जब बेटी होती है तो उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है और झटपट शादी करके ससुराल विदा कर देता है, पढ़ाई लिखाई का बोझ खत्म। हम उन माँ बाप से कहना चाहेंगे, आप बेटियों का चिंता छोड़ दीजिए, आप बेटियों की शिक्षा की पूरे रास्ते आप सरकार ने बना दिए हैं, आप उनको सिर्फ डिग्री नहीं, उसको आप इंजीनियर डॉक्टर वकील भी बनाइएगा, उसका भी खर्चा राज्य सरकार देगी, इसका भी हमने रास्ता बना दिया। 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपया डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगता है, और कितना किसान के पास बैंक में इतना भरा हुआ पैसा है, आप तो बैंक भी जाइएगा तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपया लोन लीजिएगा तो 50 लाख रुपया का सामान गिरवी रखो, आप खुद को भी गिरवी रखिएगा तो भी बैंक लोन नहीं देगा। आज अभी हम लोगों ने लड़कियों के लिए सावित्री बाई फूले योजना लगाया, चालू किया है, अब तक उसमें 8 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा है, और उन 8 लाख बच्चियों को अभी हम 40,000 रुपया दे रहे हैं उनके खाते में, और अभी 2 बच्चों का उसमें कानून था, अब 2 बच्चे का कानून खत्म करके घर में अगर 2 बेटी 3 बेटी 4 बेटी भी है तो चारों पांचों बेटियों को हम लोग सावित्री बाई फूले योजना देंगे, और साथ में हमारे छात्र छात्राओं को गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी देंगे, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चे को जब 12 पास करने के बाद इंजीनियर डॉक्टर वकील के लिए जो पैसे का जरूरत पड़ेगा तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको इंजीनियर और डॉक्टर पढ़ने का जितना खर्चा होगा उतना पैसा आपको उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार करे। अभी उत्कृष्ट विद्यालय भी बन रहे हैं चारों तरफ, अभी 80 उत्कृष्ट विद्यालय बने जहां उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति होगी, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर बने वो स्कूलें चलेंगी, और हमारे गरीब किसान के बच्चे उस स्कूल में मुफ्त पढ़ाई करने का काम करेगा। और वो है अभी 80 हम लोगों ने शुरू किया है, इसकी संख्या इसको 5,000 ले जाएंगे, हर लगभग राज्य के हर कोने में ये स्कूल बनेगा। अभी हमारे गरीब घर के बच्चे शहर में आकर के कल्याण विभाग के छात्रावास में रह करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, और उन छात्रावासों की स्थिति अगर हम कहें तो संभ्रांत व्यक्ति का बाथरूम से भी, शौचालय से भी बुरा हाल है उन हॉस्टलों का, जब से बना कभी भी चुना पचोड़ा आज तक नहीं हुआ उसमें, लेकिन सरकार का दृढ़ संकल्प हुआ और आज हम लोगों ने इस राज्य के सभी कल्याण विभाग के छात्रावास का जीर्णोद्धार करने का काम किया है, और आज कई छात्रावास बन भी गए हैं और कई छात्रावास में काम चल रहा है। और अब आने वाला समय में हमने ये भी निर्णय लिया है कि उन छात्रावास में जो बच्चे अपने घर से चावल दाल लेके आते हैं, अपने से खाना बना करके स्कूल कॉलेज जाते हैं, अब उन छात्रावास के अंदर भी
आने वाला समय में वहां रसोईया भी हम लोग देंगे और वहां के बच्चों का खाने का व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। हमारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है ताकि शिक्षा को शिक्षा से ध्यान इधर उधर ना जाए, नहीं तो आधा समय तो उसको खाना बनाने में, लकड़ी व्यवस्था करने में उसका दिन कट जाता था। कई ऐसे चीजें हैं, आधारभूत संरचना की बात कीजिए, आज हजारों करोड़ रुपया के माध्यम से ग्रामीण सड़क 6000 करोड़ से लगभग अधिक की लागत से पूरे राज्य भर में ग्रामीण सड़क बनाया जा रहा है और वहीं 7000 करोड़ से अधिक पथ निर्माण विभाग से सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। रांची जैसा शहर देखिए, जहां लोग आज यहाँ की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग आज रेंग रेंग के चलने के लिए मजबूर हैं, लेकिन 20 साल में कभी भी इस समस्या का समाधान इन लोगों ने नहीं किया। आज आप रांची में देखिए, चारों तरफ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, राज्य के सभी जिलों का बाईपास स्वीकृत हो चुका है, कई जिलों में काम पूरा हो चुका है, कई जिला का शिलान्यास हो चुका है, कई जिला में काम चल रहा है। इसके अलावा कई जिले हमारे राज्य में जो केंद्र शासित और केंद्र के द्वारा संचालित डीवीसी के द्वारा बिजली उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन सरकार का 1000 रुपया भी अगर एक दिन बकाया रह गया तो बिजली काट देता है, क्योंकि केंद्र सरकार का उपक्रम है। बड़ा दुर्भाग्य, हमारा जमीन, हमारा पानी, हमारा कोयला, लेकिन यहां के लोगों को बिजली नहीं मिलेगा। और हमारी सरकार की कैसे किरकिरी हो, सरकार कैसे बदनाम हो, इसकी छवि कैसे खराब हो, इसका जीता जागता उदाहरण है जब राष्ट्रपति महोदया आती है उस समय डीवीसी बिजली काट देता है। यह स्थिति है आज, उस पर हम लोग खुद से अपना अलग से व्यवस्था, संचरण लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन दोनों बड़ी तेजी से उसमें काम चल रहा है और मैं जहां तक समझता हूं कि अगले 1.5 साल के अंदर हम लोग डीवीसी के चंगुल से बाहर निकलेंगे और ये अपना बिजली अपने घर पे रखे और दूसरा राज्यों में जाकर के बेचेंगे और 24 घंटा बिजली देंगे। और अभी तो जहां दुर्गम इलाके हैं, जहां बिजली का खंभा नहीं पहुंचाया जा सकता है, वहां पर सोलर युक्त हम लोग बिजली उपलब्ध कराने के लिए लगातार कई जगहों पर तो हम लोगों ने ये सोलर युक्त पूरा गांव को रोशन कर दिया है। अभी और भी पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे, चूंकि हम लोग का भौगोलिक बनावट भी बहुत ही ऊपर नीचे है, पठारी इलाका है, इसको लेकर चुनौती बनी रहती है, लेकिन आज इसके माध्यम से उनको सौर ऊर्जा भी उपलब्ध करा रहे हैं। आज पढ़े लिखे नौजवान, कम पढ़े लिखे नौजवान, महिला, सभी लोगों के लिए हम लोगों ने योजना लाया है और विशुद्ध रूप से योजना, जो 80% लोग गांव में रहते हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर आपको पूंजी की आवश्यकता है, बैंक तो आपको कभी पैसा देगा नहीं, तो जितना आपको पूंजी की आवश्यकता है उतना पैसा राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन दें और आप उसका लाभ उठाएं। आज तक लगभग इससे 12,000 नौजवानों को हम लोग जोड़ चुके हैं, कोई बस खरीद रहा है, कोई बेलेरो खरीद रहा है, कोई अन्य ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई राशन दुकान खोल रहा है,
महिलाएं सिलाई दुकान खोल रही हैं, राशन दुकान खोल रही हैं, कई तरीके के काम कर रही हैं। तो आज इसका भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। नियुक्ति को लेकर हमारे विपक्ष लोग अक्सर हां सरकार पर तंज कसने का काम करते हैं। आज आपको मालूम होगा कि 20 साल में पहली बार सरकार ने यहां पर जो भी कंपनियां आएंगी, यहां पर लगेंगी, उद्योग लगेंगे, उस कंपनी में 75% लोकल लोग होगा, ये कानून हमने बनाया है। और इसके माध्यम से गैर सरकारी संस्थानों में अलग अलग कैंप लगा करके 50,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार दिया है। सरकारी नियुक्ति की बात करें तो माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति भी हम लोगों ने की, सहायक अभियंताओं का भी हम लोगों ने नियुक्ति किया है, लिपिक सेवा संवर्ग की भी निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति की, दंत चिकित्सक की नियुक्ति की, पंचायत सचिव का भी नियुक्ति किया, कोषागार लिपिक का भी नियुक्ति किया हम लोगों ने, लोक सहायक लोक अभियोजक का भी नियुक्ति किया, डॉक्टरों की भी नियुक्ति हम लोगों ने की है और ए ग्रेड नर्सों की भी हम लोगों ने नियुक्ति की, आयुष चिकित्सकों की भी नियुक्ति की है। आज के दिन में भी, आज इस समारोह में भी लगभग 7-8 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, सरकारी नियुक्ति पत्र मिल रहा है आज इसी मंच से, और ये कहते हैं कि नियुक्ति नहीं मिल रही। और अभी आपको हम बता दें लगभग 45,000 वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी निकल पड़ी है, निकल चुकी है, जिसके कुछ तो रिजल्ट भी आ चुके हैं। जो प्रयोगशाला सहायक परीक्षा हुई है उसका भी रिजल्ट निकल चुका है, और अभी शिक्षकों का भी जो परीक्षा हुआ है उसका भी लगभग 3,120 शिक्षक का उसका भी रिजल्ट निकल चुका है। तो कई पैमाने पर हाँ ये बात जरूर है, हमें इस बार भी वक्त कम मिला, 1.5 साल तो कोरोना ने हमारा खाया और बचा कुचा साल आपके बीच में। पहली बार 20 वर्षों में जेपीएससी का रिजल्ट हमने बनाया, पहली बार बिना किसी विवाद का रिकॉर्ड तोड़ 250 दिन के अंदर जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित करके झारखंड के 95% युवा युवतियों को बीडीओ सीओ कलेक्टर बना करके हम लोगों ने राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया। और तो और सुनकर बहुत खुशी होगी आपको कि उस जेपीएससी के माध्यम से इस राज्य में जो बच्चों ने बीडीओ सीओ कलेक्टर बनने का काम किया है, उन बच्चों में से कई ऐसे बच्चे जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बेटी, किसान मजदूर का बेटा, ऐसा लोगों का रहा है। लगभग 35-33 बच्चे मुझे लगता है बीपीएल परिवार के नीचे से भी आते हैं, रहे होंगे, ऐसे बच्चों ने जेपीएससी परीक्षाएं पास की। और पूर्व की सरकार की हर परीक्षाओं में कोई ना कोई धांधली, और यहां जब हम स्थानीय नीति की बात करते हैं, जब 1932 आधार पर नियोजन नीति बनाना चाहते हैं तो इनको साफ सुनने लगता है, दूसरे राज्य के लोगों के साथ मिलकर कोर्ट कचहरी करके हमारे कामों में बाधा डालते हैं, राज्यपाल महोदय के यहां जाकर के कानाफूसी करके उनके कान भरने का काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जब अपने राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इस तरीके के कानून है जहां वहां के गवर्नरों को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे इस राज्य में भी की दिक्कत है? स्थानीय लोगों को रोजगार में देने में यहां पर क्या तकलीफ है हमारे विपक्षों को? लेकिन इनके बावजूद हम लोग कदम रुके नहीं। आज हर गांव से लेकर शहर तक और आज आधारभूत संरचनाओं तक सभी क्षेत्रों में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। अभी और लंबा दूरी तय करना है। इस नवजात झारखंड को आने वाला
एक दो साल में 25 साल का होगा, युवा राज होगा, लेकिन इन लोगों ने इसको बीमारू राज बना दिया है। हम निरंतर प्रयासरत है कि ये नवजात झारखंड, हमारा गांव का झारखंड मजबूत हो, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अगर गांव मजबूत होगा तभी ये झारखंड मजबूत हो सकता है। और हम 25वां साल जब ये झारखंड देखे तो इसको हम लोग इतना मिलजुल कर ताकत दे कि आने वाला समय ये अपनी जिम्मेवारी और जितनी भी चुनौती है उस चुनौती को आसानी से ये झेल सके। और ये राज पीठ दिखाने वाला राज नहीं, इस राज ने हमेशा संघर्ष किया है, इस राज के लोगों ने संघर्ष किया है, आप लोगों ने संघर्ष किया है और आप लोगों के ही माध्यम से इस राज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज इसका प्रयास आप देखते होंगे कि गांव गांव पंचायत पंचायत सरकार जा रही है। जैसे आप होली दिवाली ईद क्रिसमस का इंतजार करते हैं, अब ये सरकार हर साल आपके गांव में जाएगी, हर बार आपके पंचायत में शिविर लगाएगी, आपकी समस्या सुनेगी और समाधान करेगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, समय का भी अभाव है, आप लोग को और वापस भी बहुत दूर दराज का घरों में जाना है, हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। और अभी हम लोगों ने 4 साल पूरा किया है, निश्चित रूप से अगले 5वें साल जब हम आपके साथ मुलाकात करेंगे तो और मजबूती के साथ और ढेर सारी योजनाओं के साथ और आपके चेहरे पर और मुस्कान देने के साथ काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे।